नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेके आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है जुलाई 20, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। तो पहली खबर जो हमें मुख्य पेज फ्रंट पेज से देखने को मिल रही है वो है एक्टिविस्ट तीस्ता सैतलवाद 2 कंटिन्यू ऑन बेल। तो ये किसने कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या है ये खबर हम जानते हैं। तो जो एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सैतलवाद, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी जो बेल याचिका है उसे, जो बेल है इन्हें, जो बेल मिली हुई है उसे अभी हमें जारी रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। तो हम थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ था, क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा और क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इन्हें बेल पर बाहर रहना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं इस चीज़ की। तो जून 25, 2022 में क्या होता है कि गुजरात की जो पुलिस होती है वो इन्हें तीस्ता सैतलवाद को अरेस्ट करती है और मुंबई में अरेस्ट करती है। किस केस पे? एक धोखाधड़ी का एक तरह से केस। किस बेसिस पे? जो 2002 के दंगे हुए थे उस बेसिस पर इन्हें अरेस्ट किया जाता है। सितंबर 2, 2022 में सुप्रीम कोर्ट इन्हें बेल दे देती है, जिसे हम कहते हैं इंटरिम बेल। 1 जुलाई 2023 को क्या होता है कि गुजरात हाई कोर्ट उन्हें रेगुलर बेल देने से मना कर देती है, ठीक है। और क्या ऑर्डर देती है उन्हें? कि उन्हें इमीडिएट सरेंडर करना पड़ेगा पुलिस के सामने, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे देता है, ठीक है, कि उसी रात इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा और इसे सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद दिन आता है जुलाई 5 का 2023 में ही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है इंटरिम प्रोटेक्शन, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, कब तक के लिए? आगे के ऑर्डर आने तक, ठीक है। और इन केसों की सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित करती है 19 जुलाई का। तो 19 जुलाई जो, हालांकि आपने देखा कि कल ही थी, तो कल फैसला आता है। तो सुप्रीम कोर्ट, जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन था इन्हें अरेस्ट कर लेने का, इमीडिएट अरेस्ट होने का इनका, तो उसे खारिज करके इन्हें बेल कंटिन्यू कर देता है। तो फाइनली क्या है न्यूज़ में कि जो तीस्ता सैतलवाद हैं इन्हें दोबारा बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इनकी बेल याचिका जो है वो कंटिन्यू होगी और इनकी बेल याचिका मान ली गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगली खबर हम देखते हैं फ्रंट न्यूज़ से ही, तो इसके बगल में ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। 15 इलेक्ट्रोड्यूड एट नमामि गंगे साइट इन उत्तराखंड। तो क्या कह रही है ये खबर कि 15 लोगों की करंट लगने की वजह से, नमामि गंगे जो एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है उसकी वजह से क्या हुआ है उत्तराखंड में, इन लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या होता है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो हम जानते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले खबर तो आप समझ ही गए कि सब खबर क्या है कि 15 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। और क्या कर रहे थे वो? नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का उसके तहत काम कर रहे थे अपना। तो हम देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, ठीक है। तो ये एक तरह से गंगा नदी को बचाने का एक संरक्षण मिशन है, जिसके तहत जो गंगा नदी में प्रदूषण है उसे हम रोकने में और कम करने में कामयाब होंगे नमामि गंगे परियोजना के तहत। आगे देखते हैं, इस परियोजना को 2014 में शुरू किया गया था और इसका बजट 20,000 करोड़ रुपए है। तो इसे कब शुरू किया गया था नमामि गंगे परियोजना को? तो वो सन था 2014। और कितना बजट दिया गया था इसे? 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था नमामि गंगे परियोजना को भारत सरकार द्वारा। अब इसकी गतिविधियां समझते हैं कि इसमें, इसकी परियोजना के तहत क्या होता है। तो सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, नदियों के किनारे के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान और गंगा नदी से जुड़े परंपराओं और संस्कृतियों का संरक्षण। तो ये है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर की गतिविधियां। ये हमने गतिविधियां देखनी, कब शुरू हुआ था ये? 2014 में शुरू हुआ था और इसका बजट जो आवंटित था वो था 20,000 करोड़ रुपये। अगली एक आप खबर देख सकते हैं, मणिपुर से खबर आई है। तो मणिपुर में क्या खबर आई है कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो गई है जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि दो महिलाओं को नग्न अवस्था में करीबन 100 से 200 लोगों की भीड़ लेकर घसीटते हुए जा रही है। और ये वीडियो कहाँ से बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि ये मणिपुर से वीडियो है और जो महिलाएँ हैं वो कुकी जो उनकी महिलाएं हैं और जो घसीट कर उन्हें ले जा रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ कहा है कि गैंगरेप भी हुआ है, तो वो किसने किया है? वो मीती समुदाय के लोगों पर उंगली उठाई जा रही है। अब इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। आगे की खबर पर आते हैं हम, तो ये एक स्टेट्स सेक्शन से, राज्य के सेक्शन से इंपॉर्टेंट खबर है। पहली राजस्थान से खबर है ये। तो क्या खबर है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान।
तो क्या कहती है ये खबर? ये खबर कहती है कि कांग्रेस की जो पार्टी है, जो सरकार है राजस्थान में इस वक्त, राज्य से हम खबर देखते हैं। पहली खबर है, कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम इनकम इन राजस्थान। तो राजस्थान का, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर असेंबली बैठी हुई है राजस्थान में, वहाँ की विधानसभा जो चल रही है, तो वहाँ पर एक विधेयक या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिल, वो लाया गया है। और उस बिल को लाने के बाद क्या कहा जा रहा है कि इस बिल के आ जाने से जो वहाँ के लोग हैं, राजस्थान के जो भी लोग हैं, उन्हें एक मिनिमम इनकम, न्यूनतम आय मिलने जा रही है। तो ये है इस बिल के अंदर। हम हिंदी की खबर है तो हिंदी माध्यम के छात्रों के हिसाब से समझ लेते हैं, तो हिंदी की खबर यहाँ हम ट्रांसलेट करके लाए हैं आप लोगों के लिए। तो क्या कहती है खबर, देखते हैं। कांग्रेसी अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पेश किया, जो राज्य में चुनाव से पहले होने वाली अंतिम सत्र में से एक है। यह बिल देश में पहली बार शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए विधायी समर्थन प्रदान करता है और 15% वार्षिक वृद्धि के प्रावधान के साथ पेंशन को एक कानूनी अधिकार भी बनाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर मांग की है कि इस तरह का कानून पूरे देश के लिए लाया जाए। राज्य कैबिनेट ने भी बुधवार को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया। 2019 के लोकसभा से चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में न्याय का वादा किया था, ये एक योजना थी तो इसका वादा किया था, जो 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल ₹72,000 की न्यूनतम आय प्रदान करता है। तब से पार्टी ने शायद ही कभी इस योजना के बारे में बात की है। इसके लिए यह कहता है कि यह बिल कांग्रेस के 2019 के वादे के सबसे करीब आता है। आगे देखते हैं, तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 दिनों के काम के पूरा होने पर कम से कम 25 दिनों के अनुमत कार्य के लिए गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसा कि केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में निर्धारित है। आगे देखते हैं, तो वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा या एकल महिला के रूप में पात्रता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार होगा और इस पेंशन में हर साल 15% की वृद्धि होगी। द हिंदू से बात करते हुए श्री गहलोत ने कहा, यह सभी के लिए अधिकार है कि वे अपनी गरिमा के साथ जीवन जी सकें। कानून के पक्ष में तर्क देते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन है ये राजस्थान का, तो क्या कहता है, कानून के पक्ष में तर्क देते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता निखिल दे ने कहा कि यह देश भर में करोड़ों कमजोर परिवारों के लिए न्यूनतम आय गारंटी की एक निर्विवाद आवश्यकता के लिए एक अनूठी दृष्टिकोण लाता है। कानून उन लोगों के लिए रोजगार गारंटी को जोड़ता है जो काम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, और उन लोगों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो नहीं कर सकते, जिससे सभी के लिए न्यूनतम कानूनी आय गारंटी सुनिश्चित हो जाती है, ये उन्होंने कहा। हाल के वर्षों में कई अन्य राज्यों में ने भी शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं, अब ये आपको याद रखना है, लेकिन केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से। यह पहली बार है कि शहरी रोजगार गारंटी योजना को विधायी समर्थन मिलेगा। यह भी पहली बार है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक कानूनी गारंटी बन जाएगा, फिर से उसमें ₹1,000 की न्यूनतम राशि के प्रावधान के साथ 15% की हर साल स्वचालित वृद्धि दोनों राशि और दायरे में महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, ये है बेसिकली इसमें। अब मैं बताता हूँ आपको, ये स्कीम आपको पढ़ के ये समझ में आ गई होगी, तो क्या स्कीम है ये, कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है राजस्थान में, वो एक स्कीम लेकर आई है अपने यहाँ से, विधानसभा में एक बिल लेकर आई है। उस बिल में क्या है कि वहाँ के जो शहर हैं और गाँव के लोग हैं, उन्हें एक मिनिमम इनकम, न्यूनतम आय दी जाएगी, ठीक है। तो क्या है ये सेफ्टी नेट, ये देखते हैं, यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, देखते हैं क्या है इस बिल में, एकदम बिल के जो सटीक क्या क्या है। एडिशनल 25 डेज ऑफ वर्क फॉर रूरल हाउसहोल्ड, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके लिए जो काम मिलने की संख्या है दिनों की, जो मनरेगा में अभी 100 दिन है, उसमें 25 दिन और जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 125 दिन। उसके बाद ए टोटल ऑफ 125 डेज ऑफ गारंटेड वर्क फॉर रजिस्टर्ड अर्बन हाउसहोल्ड, अब ये देखना कितने दिन का मिनिमम रोजगार मिलेगा शहरी को, शहर में रजिस्टर्ड अर्बन हाउसहोल्ड को, शहरी को, तो गारंटी वर्क कितना, 125 दिन का गारंटी मिलेगा, वर्क का काम मिलने का गारंटी देगी सरकार। उसके बाद देखते हैं हम, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज व्हेन डिमांड वाज मेड, द एप्लीकेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर सरकार काम देने में असफल होती है तो 15 दिन के भीतर ही, अगर जैसे कोई एक आदमी जाता है शहरी जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस काम को करने के लिए, उस कार्ड से, जो भी कार्ड बनाया जाएगा उस कार्ड में जिसका रजिस्ट्रेशन है, अगर वो काम मांगने जाता है, तो उसे गवर्नमेंट को 15 दिन के भीतर ही काम देना पड़ेगा,
और यदि अगर गवर्नमेंट उसे काम नहीं दे पाती है 15 दिन के भीतर, विद इन 15 डेज, तो क्या होगा कि उसे एक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एवरी पर्सन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली एबल्ड विडो सिंगल वीमेन विथ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी इज एंटाइटल्ड टू ए पेंशन अंडर दिस एक्ट। अब ये एक्ट पेंशन की भी बात करता है, तो कौन कौन इस पेंशन ले सकते हैं? वृद्ध लोग, ओल्ड एज, ठीक है, दिव्यांग लोग, विधवा, विडोज, सिंगल वीमेन जो होती हैं, ठीक है, जिनकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो इस पेंशन को ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है आखिरी पॉइंट? द पेंशन शैल बी इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम। ये हमने देख ही लिया है कि कितने परसेंट पर एनम पे बढ़ाई जाएंगी चीज़ें, जो रेट है वो 15% पर एनम पर बढ़ेगा, जो पेंशन का रेट है। अगली न्यूज़ पर हम आ जाते हैं, ये थी ये न्यूज़। अगली हम न्यूज़ पर आ जाते हैं, तो ये उत्तर आ प्रदेश से ही जाते हैं है, तो न्यूज़ ये है। न्यूज़ उत्तर प्रदेश से है। यहाँ क्या है कि एनडीए बेटर प्लेटफॉर्म टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ ईबीसीज। तो क्या कह रही है ये न्यूज़ कि जो उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, ये अब एनडीए के साथ जा रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। तो इनकी जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो अब एनडीए का सपोर्ट करेगी 2024 के चुनाव के लिए। बस इतना ही जानने के लिए था, बाकी इनका जो भी दिया हुआ है ठीक है। और ये साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे, एनडीए में जाने के बाद भी हम बैक डाउन नहीं करेंगे। किस चीज़ से, किस चीज़ में अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे? कास्ट सेंसस की मांग करने में। कास्ट सेंसस कल मैंने समझाया था, आपने कल का अगर लेक्चर देखा होगा तो, कास्ट सेंसस क्या होता है कल मैंने समझाया था। तो जातीय जनगणना हिंदी में कहते हैं कास्ट सेंसस को। तो ये क्या कहते हैं कि जो भी जातीय जनगणना की बात है, जिसके मुद्दे पर ये हैं, टिके हुए हैं, उससे ये पीछे नहीं हटेंगे एनडीए में शामिल होने के बाद भी। और क्या कहते हैं ये कि जो अब इनका पर्सनल स्टेटमेंट है, ये कोई हमारे रेलिवेंट नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। बस आपको ये जानना चाहिए, ये जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं उत्तर प्रदेश में, अब ये एनडीए के साथ जा रही है पार्टी। आगे हम आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। तो पहला है शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी भारतीय जनता पार्टी के से रिलेटेड ही है, जो 2024 का आने वाला चुनाव है उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसे। तो क्या कहती है ये, बीजेपी 2024 2024 के आम चुनाव के करीब आने के साथ गठबंधनों में अधिक निवेश कर रहा है। जो भाजपा है वो गठबंधनों में अधिक निवेश कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि हमारी पार्टी वन मैन शो है, कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकप्रिय हैं और वो अकेले ही सबको हरा सकते हैं। लेकिन जैसा कि अब आप देख रहे हैं, जो अंदर की बात होती है, अंदरूनी बात, वो यही बात है कि भाजपा को जब नज़र आने लगा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक तरफ आ रहे हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थोड़ी सबगाहट बढ़ी है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी जाकर अपने अपने जो भी इनके अलायंस के लोग हैं, जिनके साथ ये गठबंधन करते हैं, उन्हें अपनी तरफ ले रहे हैं, जो दूसरी तरफ है उसे अपनी तरफ ले रहे हैं, और ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने 2024 के चुनाव के लिए। तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल है, देखते हैं हम। तो राष्ट्र राजधानी में 38 राजनीतिक दलों की एक बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को 2024 के आम चुनाव के लिए समर्थन दिया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को नवीनीकृत किया, जो 2024 और 2019 में लोकसभा में बहुमत के साथ जीतने के ही भाजपा के लिए निरर्थक हो गया था। ठीक है, अब क्या है, क्या कह रहे हैं कि एनडीए की बात करना छोड़ दी थी भाजपा ने 2014 और 2019 का, जब भाजपा चुनाव जीती उसके बाद वो सब जो भी उनके अलायंस में गठबंधन में लोग थे उनकी ज़्यादा बातें नहीं सुनी जाती थी। तो अब क्या कह रहे हैं ये कि अब ये जाकर 2024 का जब इन्हें चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ये दोबारा उनसे करीबियाँ बनाने लगे हैं। ठीक है, एनडीए ने हाल ही में कई दलों को शामिल करने के साथ विस्तार किया है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां दो क्षेत्रीय दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है तो हम कहेंगे इसे एनसीपी, और शिवसेना के धड़े शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022, जो अभी हमने पीछे देखा था ओम प्रकाश राजभर के बारे में, वही उनका भी मेंशन है यहाँ कि ये भी भाजपा में जुड़ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए एक कटु विभाजन के बाद भगवा खेमे में वापस आ गई है, मतलब सैफरन रॉक्स में आ गई है वापस। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े और जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, से अलग हुए समूह और व्यक्ति एनडीए को सशक्त कर रहे हैं। तो बिहार में भी इन्होंने कुछ लोगों को अपनी तरफ ले लिया है, कामयाब हो गए ये, और भी मैच काम कर रहे हैं। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर और आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के संपर्क में है। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी,
ये भी जो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, TDP, इसके कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, तो ये भी भाजपा के संपर्क में हैं। यह नए गठबंधन महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा अपनी प्रधानता बनाए रखने की उम्मीद कर रही है, उसमें कम से कम चुनावी निहितार्थ हैं। ठीक है, इन चुनावी गणनाओं के अलावा यह भी कहा जा रहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद दलों और सामाजिक समूहों के व्यापक गठबंधन के लिए उत्सुक है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन एक विकसित हो रहे विपक्षी दल के एकजुट मोर्चे के खिलाफ एक पृष्ठभूमि में आता है जो भाजपा के खिलाफ है। श्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया है, एक आरोप जो निसंदेह सही है, लेकिन फिर यह एनडीए के लिए भी समान रूप से सही है। भाजपा अपनी गढ़ों में भी मजबूत है, लेकिन वह चीज़ों को संयोग पर नहीं छोड़ना चाहती है। तो ये है, मैं थोड़ा और कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं इसे, इंग्लिश के दर्शकों के लिए भी मैं इसे इंग्लिश में छोड़ दे रहा हूँ, आप